बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान या कन अब्दु या कन नस्ताइन। अरीम शाह की एक ऐसी वीडियो लीक हो गई है जिसको देखकर आप सारी पिछली वीडियोस भूल जाएंगे। वो वीडियो कौन सी है, कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बताने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियोज हैं आप उनको मिस ना कर सकें। दुनिया इस टाइम आलमी वबा के जद में है। दुनिया में कोरोना वायरस और ये जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन टिकटॉक की बीमारी हमारे इस मुआशरे से निकल नहीं रही है। अरीम शाह कोई भी मौका हो वो खुद को ये कहती हैं कि मैं मुझे कोई वायरल कर दे, मैं ट्रेंडिंग में रहना चाहती हूँ, मुझे ट्रेंडिंग में जाना है और मुझे ट्रेंडिंग में रहना पसंद है। अरीम शाह का यहां पर आप एक ट्वीट देखें जिसमें वो इमरान खान साहब को धमकी दे रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है, अगर 24 घंटों में मुल्क को लॉकडाउन ना किया गया तो मैं तमाम वीडियोस लीक कर दूंगी। मुतरमा से मेरा सवाल है कि बजाय आप ये पहले सवाल कर लेते हैं, बाद में उनको एक सजेशन दूंगा। मुतरमा से सवाल ये है मेरा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या ये टाइम है इस तरह की बातें करने का, जहां पर लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां दांव के ऊपर लगी हुई हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो बहन है भाई है वो अलग अलग कमरों में है कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। आप कहती हैं कि आप सारी वीडियोस लीक कर देंगी। मुतरमा अब मेरे सजेशन सुनिएगा, बजाय आप ये कहने के कि आप वीडियो लीक कर देंगी, अगर आप ये कहती कि ये आयत पढ़ें, मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, मैं कुरान पढ़ूंगी और मैं ये तलकीन करती हूँ अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर वो ये कुरान पाक की ये आयत पढ़ें, वो आयत पढ़ें, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता। और जो लोग वीडियो देखने आए हैं कि आखिर अरीम शाह की वीडियो कौन सी आई है, उनको मैं दोनों हाथों का वास्ता देता हूँ और अल्लाह का वास्ता देता हूँ। यहाँ पर अरीम शाह से भी, अरीम शाह को भी मैं इन दोनों हाथों का वास्ता देता हूँ कि बराए मेहरबानी अब ही टाइम है, अभी भी टाइम है आपके पास, सुधरना है तो सुधर जाए, वरना इटली में देखें, वरना सऊदी अरब में देखें, वरना ईरान में देखें, वरना पाकिस्तान में देखें, वरना इंग्लैंड में देखें, वरना जर्मनी में देखें, वरना दुनिया पूरी में देखें कि लोग किस तरह मर रहे हैं। मौत को याद रखें, मौत किसी भी टाइम आ सकती है क्योंकि मरना तो सामने है। इस वीडियो में मैंने अपना पैगाम देना था अरीम शाह को और इसके इस घटिया ट्वीट के ऊपर मैंने इसको अपना पैगाम देना था, अपना मैसेज देना था। जिस चीज को वीडियो पसंद आई है, मेरी बातें पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है, अगर आपने मुझे गाली निकाली है, तो नीचे कॉमेंट सेशन है क्योंकि मैं इस चीज को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि इस मौके के ऊपर इतना ज्यादा गैर संजीदा ट्वीट्स आए और वो कहे कि मैं सारी वीडियो लीक कर दूंगी। मुतरमा आप वीडियो उठाएं, अगर आपके पास है तो अदालत में जाएं, हमें आपकी वीडियोस नहीं देखनी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।